To good morning. Hi guys. Good morning and welcome to my Sunday ka vlog. Bad. जो इसके साथ होगा क्योंकि इसकी छुट्टी है. लगी? Sorry. कोई बात. Bad. लाती दे तो. बाकी ना बोलो नहीं तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा. क्या बोलूं? I have done two hour holiday. हाँ, it is Sunday's holiday today, है ना? Are we holiday? We holiday, सबकी holiday. Today is Sunday. Sunday के पापा. All holiday to Sunday. First recording our thought. समझ गए होंगे सब लोग. चलो फटाफट उठ के ब्रश करते हैं. रेडी हो जाते हैं. मुझे नहीं अभी जाना. ब्रश तो करना है. दीदी मैं बाद में डर्टी स्मेल माउथ से बाद में कर लूंगी. नीचे जाके कर लूंगी. नीचे भी तो है मेरी ब्रश पेस्ट. चलो फिर उठो. बाद में जाएंगे नीचे कर लूंगी मैं खुद ब्रश. ठीक है ओके. Hi guys, good morning. I haven't gotten a chance कि मैं आपसे चैट कर सकूं because हम लेट उठे थे. It's a Sunday today. तो आज हमारी फ्रेंड का बेबी शावर है तो वहाँ का टाइम था 11:30 जो हो चुका है एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव फॉर दैट फंक्शन. मैं वापस आके आपसे बात करती हूँ और आपको अपनी आउटफिट भी दिखाऊंगी. आई एम ऑल रेडी बट अभी हमें गिफ्ट पिक करना है सो वील पिक दैट और फिर हम बेबी शार पे जाएंगे. मैं आपको ग्लिम्पसेस दिखाऊंगी. इसे मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी बिकॉज बैटरी लो है एंड देन हम आगे के संडे में मिलते हैं. तो करना ही होता है ना. लेकिन सिर्फ एक पेज डन. ओके एक पेज कर. दूसरा पेज कल कर लूंगी स्कूल से आके. हेलो गाइस सो हम वापस आ गए हैं बेबी शार से. वहाँ पे हमने बड़ी सारी गेम्स खेली. मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी गेम्स हैं तो अगर आप किसी के लिए बेबी शार प्लान कर रहे हैं तो आप वो गेम्स खिला सकते हैं. और मेरा बच्चे ने भी ज्वाइन कर लिया था. पहले वो नहीं आया था फॉर वन एंड अ हाफ आवर. घर पे थी फिर उसके बाद हमने इसे पिक कर लिया और फिर ये भी आ गया था बर्थडे पार्टी पे. है ना जिसका बेबी शायर था उसका बर्थडे भी था आज तो इट वॉज कम्बाइंड. सच ना बड़ा मज़ा आया वहाँ पे. मज़ा आया. हाँ जी और गिफ्ट भी मिला. हाँ गिफ्ट भी मिला क्योंकि हमें वो शादी नहीं थी बर्थडे पार्टी थी. हाँ शादी पे नहीं मिलता गिफ्ट इसलिए शादी पे जाना नहीं अच्छा लगता. नहीं तो हमें गिफ्ट भी मिला. हमें कपकेक्स मिले. मैं अभी आपको दिखाती हूँ. और सानवी को क्या मिला? सेट.
nail art set and cupcakes and cupcakes and cream cupcakes. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जिन जिन के बच्चे हैं सबके लिए जो होस्ट थे उन्होंने गिफ्ट्स लाए हुए थे और बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही गॉट गिफ्ट्स सेपरेटली फॉर एवरी वन ऑफ देम और वो एक बहुत ही अच्छा जेस्चर लगा मुझे. आई वाज लाइक वेरी स्वीट और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है अपने लिए गिफ्ट लेकर. आगे so, पीछे आगे. सो अब टाइम है बस सानवी को मिल्क पिलाने का और उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा होमवर्क. अभी कर लो जरा. मीन टाइम मैं आपको भी गेम्स बताती हूँ और कपकेक्स दिखाती हूँ. क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? बहुत. और सानवी के बाल देखो कितने लंबे हो गए हैं. कट करवा दें? ठीक है. हमेशा नहीं कहता है, आज तो ठीक है बोल दिया. इतने इतने करा देते हैं. ये देख यहाँ देख, ये देख इतने इतने लंबे बाल है ना. इतने करा देती हूँ यहाँ तक. यहाँ तक नहीं, यहाँ तक. यहाँ इतने ही बस. ये तो बहुत थोड़े से ही कट हुए, यहाँ तक करा देती हूँ. ठीक है. क्यूट ही लगेगी. और अपने कपड़े तो दिखाओ, अपनी आउटफिट तो दिखाओ. ये खड़े होके दिखेगी वो तो. फिर खड़े होके दिखा दो. इतना क्यूट ही लग रहा है तो दिखाओ. ये शानो का टॉप और शानो की टम्मी कहाँ से दिखती है? मैं करूँ यहाँ से. और ये शानो के मैचिंग मैचिंग बॉटम्स. उधर जाओ, मैं आपका आउटफिट दिखाती हूँ. दूर जाओ. दूर. ये बस यहीं से. ये क्यूटी. और ये आपको किसने दिया है? क्या आउटफिट? चाची. और तेरी टम्मी क्यूटी क्यूटी सी. ये था आउटफिट ऑफ द डे. मैं आपको अपना तो दिखा नहीं पाई बिकॉज बस इतना बिजी हो गए थे और ब्लॉगिंग इतना कम हो गया है कि मैं भूल गई आउटफिट दिखाना. सो प्रॉबेबली मैं उसकी एक फ़ोटो इंक्लूड कर दूंगी फॉर श्योर. बट चलो फिर अब हम काम पे लगते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ कपकेक्स और मैं आपके लिए मिल्क डाल के लाऊं. चाय पियोगे? चाय पियोगे? पहले होमवर्क. पहले होमवर्क करना है. पहले मिल्क पी लो. पहले मिल्क. होमवर्क. पहले मिल्क. होमवर्क तो बहुत काम की चीज होती है. काम की चीज तो होती है, मिल्क भी तो बहुत काम की चीज होती है. लेकिन मिल्क बाद में भी तो पी सकते हैं. होमवर्क भी तो मिल्क के बाद कर सकते हैं. लेकिन होमवर्क में तो ज्यादा मजा आता है. अच्छा. हाँ. चलो आओ फिर होमवर्क करा देते हैं. ये कपड़े पहनो, काम करो, मिल्क पियो और स्कूल जाओ. सब है होमवर्क का टाइम. इस बार सैटरडे संडे को काफी काम मिला था और अभी सानवी का चल रहा है ईडी वाले वर्ड्स. लाइक ये ईडी ईएन और ये वाले वर्ड्स चल रहे हैं. सो एक पेज पड़ा था इसका बस, बाकी का आई थिंक सारा होमवर्क हो गया है. ये डिक्टेशन है. ये अब ये वाला रह गया इसका काम. सैन हैज़ अ हैन. अब द हैन इज फैट. ये वाली लाइन लिखनी है यहाँ पे 4 times. THE होता है द. THE कैपिटल टी. कैपिटल टी हो जाता है. लिखो कैपिटल टी. नहीं रेड लाइन से शुरू करो. हाँ. कैपिटल टी. अब यहाँ से स्मॉल एच. और स्मॉल ई. स्मॉल ई. हाँ ये लिखा आपने द. इसके आगे देखो क्या लिखा है. ये क्या लिखा है? हैन. एच ई एन. यहाँ लिखो हैन. हैन इज फैट. द हैन इज फैट. द हैन इज फैट. इज आई एस इज. और ये टी के ये देखो. हाँ आई एस इज. आई एस इज. आई एस इज. आई एस इज. हाँ.
और ये जो द की ये जो लाइन है ये बाहर आई है, नेक्स्ट में बाहर नहीं आनी चाहिए। ये लो इरेजर, इसे रब करो। अब नेक्स्ट ठीक से यहाँ पे हैन हैन हेयर टाई कर दूँ आपके? मैं रबर बैंड लेके आती हूँ। सो दीज आर द कपकेक्स जो आया है, 6 कपकेक्स है विच हैज दिस पिंक ब्लू डिजाइन ओवर इट। हाय गाइस, सो सब सो चुके हैं, सानवी हैज स्लेप्ट और बस वी आर आल्सो अबाउट टू स्लीप। डिनर के लिए वी जस्ट हैड लिटिल बिट ऑफ पाव भाजी एंड वी वर सॉर्टेड फॉर डिनर। बिफोर आई साइन दिस व्लॉग ऑफ, आई एम श्योर ये बहुत छोटा व्लॉग होगा बिकॉज आई प्रिटी मच पता नहीं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ व्लॉग नहीं कर पाते। आई ट्राई एंड इम्प्रूव अपना व्लॉगिंग का स्किल, बट मैं कुछ बेबी शार के गेम शेयर करना चाहती थी जो आज खिलाए थे। हम सब ने मिल के गेम्स डिसाइड करे थे, तो मैं आपको गेम्स बताती हूँ कौन कौन सी थी। दिस इज़ द शीट फॉर गेम्स। हमने 5 गेम्स बनाई थी, तो इसमें एक गेम तो थी फॉर द होस्ट एंड उसकी वाइफ, उसने अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया था, सो फॉर होस्ट एंड उसकी वाइफ। एंड जो बाकी की गेम्स थी उसमें सबसे पहले गेम थी डाइपर स्मेल। तो जो डाइपर स्मेल गेम थी उसमें ये था कि डाइपर्स के ऊपर ना हमने मेल्टेड चॉकलेट्स लगाई थी, मतलब डाइपर्स के बीच में जहाँ जो पॉटी की तरह लगती थी। यू विल सी अ पिक्चर राइट हेयर, मैं वीडियो क्लिप भी अगर मेरे पास है मैं उसे इंक्लूड कर दूंगी। तो डायपर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स लगाई थी और उन चॉकलेट को स्मेल करके बताना था कि ये कौन सी चॉकलेट है। तो उस फॉर एग्जाम्पल स्निकर्स थी, मंच थी, नेस्ले, ऐसे अलग अलग चॉकलेट्स थी। एंड इट वॉज सच अ ग्रॉस गेम, मतलब देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी बच्चे की पॉटी है, बट दैट वॉज अ वेरी नाइस गेम। तो एक डायपर गेम खिलाई थी। द नेक्स्ट गेम इज़ क्ले बेबी। जो क्ले बेबी गेम थी वो गर्ल्स के लिए थी। ये बेबी शार पे गर्ल्स और बॉयज दोनों थे, तो इट वॉज फन। संडे को रखा था तो सब आ सकते थे एज अ कपल। सो जो क्ले बेबी गेम थी उसमें क्ले दे दी थी सबको, एक एक बॉक्स ऑफ क्ले दे दिया था और आपने उससे बेबी बनाना है और जिसका बेबी क्यूटेस्ट होगा वहाँ पे छिपक ली है। सो उस रूम में पर्दे के ऊपर चिपकली थी और हम भाग लिए वहाँ से। सो या मैं आपको गेम्स बता रही थी। आई एम मतलब मुझे ना चिपकलियाँ बड़ी क्रिंजी सी लगती हैं, आई डोंट रियली लाइक देम। एनी वे, सो नेक्स्ट वॉज क्ले बेबी। क्ले बेबी में एक बॉक्स ऑफ क्ले सब गर्ल्स को दे दिया था और उन्होंने उससे बेबी बनाना था। जिसका बेबी इज द क्यूटेस्ट वो मॉम डिसाइड करेगी, मतलब मॉम टू बी डिसाइड करेंगे, जिसका बेबी इज द क्यूटेस्ट उनको गिफ्ट मिल जाना था। नेक्स्ट है हमारे पास बैलून हॉप और पिंग पोंग। ये बॉयज़ के लिए गेम थी। इस गेम में क्या था कि बॉयज़ ने अपने यहाँ पे मतलब टमी पे बैलून रख लेना है, सो उनका टमी ऐसे बम्प की तरह बन जाएगा। देन उन्होंने अपने लेग्स के बीच में टेनिस बॉल को रखना है। दे हैव टू हॉप, हॉप करते हुए आगे जाएंगे, अपनी बिना बेंड हुए लेग्स में से वो जो बॉल है एक कंटेनर नीचे पड़ा होगा उसमें डाल देना है। इट वॉज़ अ फन गेम, बट उसके लिए जो कंटेनर है वो थोड़ा डीप और ह्यूज कंटेनर चाहिए, वरना जो बॉल है वो बाउंस बैक हो जाती थी। नेक्स्ट वी हैव रिबन अराउंड बेली। नाउ ये भी गर्ल्स के लिए थी, बहुत सिंपल गेम थी। सब गर्ल्स को रिबन का रोल दे देना है, तो उसमें क्या करना है और एक सीजर, और उसमें क्या करना है गर्ल्स को अपना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रिबन कट करना है जो मॉम टू बी के टमी के साइज का होगा। मतलब उनको अप्रॉक्सीमेटली गैस करके एक बस रिबन कट करके देना है और फिर वो लगा कर देखेंगे मॉमी टू बी के, और जिसका सबसे क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएंगे। डाइपर बैग गेम एंड वाटर टब गेम। जो डाइपर बैग गेम थी उसमें हमारे पास था कि एक बैग में बहुत सारा स्टफ़ रख लेना है जो जनरली डाइपर बैग में होता है। जो बैग का टॉप है उसमें छोटी सी जिप होनी चाहिए, नॉट लाइक आप अंदर झांक के देख सको। सो आपको अपना हाथ अंदर डालना है, सारी चीज़ों को चेक करके जो जो चीज़ें आपको जो जो लगती हैं आपने उसको लिख देना है, लाइक उस बैग के अंदर क्या क्या है आपको गैस करना है बिना देखे, ओनली टच करके चीज़ों को। और आपको एक पेपर पहन देंगे और उस पर आपने लिख देना है कि उसमें क्या क्या था। नेक्स्ट इज द लास्ट वन एंड दैट इज अ वाटर टब गेम। जो वाटर टब गेम थी वो वो ऐसे था कि एक टब के अंदर लाइक एक
बड़े से बाउल के अंदर यू हैव टू फिल वाटर, और उसके अंदर जो बेबी के शीशी के निपल्स होते हैं आपको वो बहुत सारे डाल देने हैं। ये बॉयज़ के लिए रखी थी बिकॉज गर्ल्स जनरली कर नहीं पाती, उनका मेकअप लिपस्टिक सब ख़राब होता था, तो उनको क्या करना है, उनको टब के अंदर अपना फेस डिप करना है मतलब पूरा नहीं, उनको सिर्फ वो निपल्स अपने माउथ से उठाकर एक अलग कंटेनर में डालने हैं। और इसमें ज़्यादा से ये रहेगा कि जितने कपल्स हैं आप उतने अलग अलग टब ले जाएं, उतना मतलब हर टब में वाटर डालें और हर एक के लिए अलग अलग निपल्स ले जाएं बॉटल के, बिकॉज फिर वो थोड़ा हाइजीनिक रहेगा वरना थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो बिना हैंड्स को यूज़ करें वन बाय वन उनको 30 सेकेंड्स में जो कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ निपल्स निकाल देता है दैट विन्स द गेम। सो या ये थे सारी बेबी शार्क की गेम्स। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम आइडियाज़ फॉर बेबी शार्क गेम्स दीज वर इट। अगर आपको कोई गेम समझ नहीं आई है प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और डिटेल में, वरना मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो, वहाँ तो मैं चैट ही कर लूँगी। एंड या दिस वॉज इट फॉर टूडेज व्लॉग। आई रियली होप यू इन्जॉयड द व्लॉग। 11 बज रहे हैं सुबह, 6:00 उठना है बिकॉज स्कूल है सानवी का, आई हैव टू वेक अप अर्ली 5:36 के अराउंड। सो या आई विल जस्ट साइन ऑफ एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। आई रियली होप यू एंजॉय दिस व्लॉग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड येस आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन व्लॉग व्लॉग टिल देन बाय।